युवराज सिंह विद माय टेक्निकल पार्टनर अतुल सिंह। आज हम बात करेंगे एलपीयू यूनिवर्सिटी का, काफी डिमांड था यार इसका। हम कंपैरिजन कर रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूं मैं कंपैरिजन। सब कुछ देखेंगे, जितने एडवांटेजेस जितने डिसएडवांटेज है, फीस स्ट्रक्चर लेके सब कुछ कवर हो रहा है यार। हम लोग आज फोकस करेंगे डिसएडवांटेज पे ज्यादा, क्योंकि यार एडवांटेज में बेसिकली यार कॉलेज इतना एडवर्टाइजमेंट करता है कि लोगों को एडवांटेज पहले से मालूम रहता है, तो डिसएडवांटेज ज्यादा फोकस कर रहा होगा यार। वीडियो बनाना, चलिए शुरू करते हैं। ये जो एलपीयू यूनिवर्सिटी है ये 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था यार। यार अब हम लोग अगर लोकेशन की बात कर ले तो देखो, एलपीयू का लोकेशन अच्छे जगह पे नहीं है यार। अगर कंपैरिजन करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या चितकारा के साथ, तो उन लोग कंपैरिजन में इन लोग का यार मतलब लोकेशन बढ़िया जगह नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तुम देख सकते हो कितना शानदार है। यूनिवर्सिटी में तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, हर एक चीज़ मिल जाता है। ये इन लोगों का सबसे जो सबसे मेन बिल्डिंग है वो ठीक सामने, यहाँ पे तुम्हें एलपीयू लिखा है वो है। फिर ये प्लेसमेंट सेल है, यहाँ पे बच्चे प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हैं। बगल में यार कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, उसी के ठीक सामने एलपीयू का जो बॉयज़ हॉस्टल है यार, पूरी मतलब सब कुछ मिल जा रहा है तुम्हें यहाँ पे। फिर देखो यार, कुछ लोगों को दिक्कत आती है पीजी में, देखो बगल में सोसाइटी एकदम शानदार, यहाँ पे बच्चे आराम से आके पीजी में रह सकते हैं यार, जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पे तुम देख सकते हो जो लेन है, जिसे तुम हाईवे कहते हो, तो ये तुम्हें डायरेक्टली यार सिटी पे कनेक्ट करता है तुम्हें, जो कि काफ़ी शानदार बात है यार। अगर मैं इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो यूनिवर्सिटी जो काफी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल एलपीयू नेस्ट कराता है यार, फिर बोर्ड्स के एग्जाम पे मतलब स्कॉलरशिप देता है, 10th और 12th दोनों इंक्लूड करता है। आप 10th के बेसिस पे ले सकते हैं, 12th के बेसिस पे ले सकते हैं। पहले मैं बताता हूं, जो बीटेक का फीस है वो पर सेमेस्टर यार 1,20,000 है। अगर तुम स्कॉलरशिप काउंट करते हो यहाँ पर, तो तुम्हारा जो फीस है वो 84,000 हो जाएगा पर सेमेस्टर। अब तुम बोलोगे स्कॉलरशिप में कितना आना चाहिए, देखो एलपीयू ने तुम्हारा टॉप में पहले रैंकिंग आना चाहिए, क्या बोला तूने, तब तुम्हें इतना फीस मिलेगा, जो कि एग्जैक्टली तुम देखो तो 30% डिस्काउंट है। फिर अगर तुम बोलते हो कि भैया बोर्ड्स पे कितना लाना पड़ेगा, तो बोर्ड्स में तुम्हें टोटल स्कोर 95% तुम्हारा जो फीस है वो 30% रिड्यूस होगा। ऐसी थोड़ा जैसे कि मान लो तुम्हारा 90 और 95 के बीच में, तो तुम्हें 25% में जाता है स्कॉलरशिप, फिर ऐसे करते हैं अल्टरनेटिव नीचे जाता रहता है। फिर अगर मैं बात करूँ बीबीए की, तो जो बीबीए की फर्स्ट सेमेस्टर फीस है वो 80,000 है, वहीं आप स्कॉलरशिप इंक्लूड करके बोलते हो तो 40,000 है, सेम सीन है स्कॉलरशिप का। फिर अगर मैं बात करूँ बीकॉम की, उसकी फीस 80,000 है, जो कि यार स्कॉलरशिप 40,000 बन जाता है। फिर मैं बात करूँ बीसीए की, तो बीसीए का भी सेम सीन है यार, 80,000 फीस है, वो स्कॉलरशिप 40,000 बन जाता है। मैं बी फार्मा के बता देता हूँ, क्योंकि बी फार्मा का लैब यहाँ पे काफी शानदार है यार, तो मैं उसका भी फीस बता देता हूँ, 1,20,000 फीस है, जो कि आफ्टर रिडक्शन 84,000 बन जाता है फर्स्ट सेमेस्टर। फिर मैं पहले बता दूँ, यूनिवर्सिटी है वो काफी शानदार लैब्स देता है। यूनिवर्सिटी मतलब काफी सही है। और मैं बता दूं, जो कंप्यूटर साइंस के साइड के लड़के हैं, फॉर एग्जांपल बीसीए या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, उन लोगों के लिए एक और एज हो जाता है, क्योंकि उन लोगों का जो कंप्यूटर लैब है वो पूरा पूरा मैक ओरिएंटेड है, समझ रहे हो, एप्पल का सब कुछ रहेगा, सारे लैपटॉप वगैरह सब ऐसा सीन हो, तो मतलब काफी बढ़िया तुम कोडिंग वगैरह कर सकते हो। या मैं इसके अगर एक और एडवांटेज बताता हूं, तो वो ये है कि कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी कह सकते हो, वो काफी ज्यादा एक्सप्लोरर तुम्हें करता है, समझ रहे हो, काफी ज्यादा एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी भरपूर है यहाँ पर, क्लब्स भर कर हैं, स्पोर्ट्स खूब आते हैं। स्पोर्ट्स हम लोग कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, तो तुम जितने स्पोर्ट्स होते हो सारे स्पोर्ट्स इस यूनिवर्सिटी में है। तुम खुद से लगभग 600 एकड़ में बड़ा था यूनिवर्सिटी है, तो मतलब सब कुछ देगा ही, तुम स्क्वैश भी ले सकते हो, स्विमिंग पूल वगैरह सब ले सकते हो, बैडमिंटन के अकेले 12 कोर्ट्स हैं, मतलब शानदार है सब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, सब कुछ स्पोर्ट्स लेके सब बहुत ही ज्यादा शानदार है एक्टिविटीज वगैरह। फिर मैं एक और एडवांटेज बता दूं, तो वो ये है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। देखो काफी ज्यादा शानदार है, तुम अगर सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो यार यूनिवर्सिटी डायरेक्टली मतलब एक डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे बच्चों को जाना होता है, केवल मतलब बोलना होता है कि मुझे सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए जाना है, तो पूरे एक सेमेस्टर के लिए तुम बाहर भेज दिया जाते हो फॉरेन में फॉर अटेंडिंग द सेमेस्टर, या तो तुम बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी एक्सप्लोर करके वापस आ सकते हो कुछ दिन में, ये भी यूनिवर्सिटी करता है। लेकिन मैं पहली बता दूँ, यहाँ पे चार्जेस तुमसे अलग से ली जाती है, अब तुम्हें कंट्री पर डिपेंड करता है, तुम कौन से मतलब महंगी कंट्री में हो या सस्ते कंट्री में हो, वो तुम पर डिपेंड करता है। फिर यूनिवर्सिटी तुम्हें रेस्टोरेंट मॉल सब प्रोवाइड करता है, समझ रहे यार, मतलब यूनिवर्सिटी की एक अलग दुनिया है, जैसे मॉल भी तुम्हें मिल जा रहा है, रेस्टोरेंट भी मिल जा रहा है, फिर यार मतलब डोमिनोज वगैरह सब जो भी तुम सोच सकते हो सब यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। मैंने पहले लोकेशन बता दिया था कि बहुत आउटर एरिया में, लेकिन तुम्हें ऐसा यूनिवर्सिटी एकदम नहीं लेके देगा कि तुम आउटर में बिलोंग करते हो, यार तुम इस खुद के मतलब शहर में बिलोंग करते हो जहाँ पे खूब ज्यादा बच्चे हैं, तो ये काफी शानदार चीज है यार।
फिर अगर मैं एक और एडवांटेज तो फेस्ट काफी ज्यादा शानदार होता है, यहाँ पे काफी सेलिब्रिटीज आते हैं, जो केवल फेस्ट में सेलिब्रिटीज नहीं आते हैं, रेंडमली भी कभी सेलिब्रिटीज को बुला दिया जाता है किसी कल्चरल एक्टिविटी या मतलब पूरी भी मतलब नॉर्मल फेस्ट में भी बुला दिया जाता है, जो कि काफी शानदार बात है। और यहाँ से बच्चे यार मतलब एक्टिंग के साइड या सेलिब्रिटी के साइड मतलब काफी जाना चाहते हैं, सिंगिंग वगैरह सब कुछ मैं बता रहा हूँ, यहाँ बच्चे काफी निकलते भी उस साइड के फील्ड में। फिर यार एक और एडवांटेज बात करूँ तो आपको बंदा सोचा है कि भाई मुझे सेमेस्टर में काफी बेहतरीन स्कोर करना है तो तुम एलबी में काफी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन पहले पढ़ने के बाद आराम से मतलब मार्क्स वगैरह आ जाता है। अगर मैं एक और इसके एडवांटेज बात करूँ तो देखो यूनिवर्सिटी काफी रैगिंग फ्री है, कुछ यूट्यूब पे जाके तुम वीडियोस देखो यहाँ पे सीधा सीधा तुम्हें बताया गया खूब रैगिंग होती है एलपी वगैरह में, ऐसा कोई सीन नहीं, कंप्लीट रैगिंग फ्री है यार। अब यह मैं इससे डिसएडवांटेज बात करूँ, सबसे बुरा और सबसे पहला डिसएडवांटेज है जो 75% अटेंडेंस है ना, ये मतलब कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है। ये क्या है भाई, मतलब तुम्हें मतलब अरे तुम लोग इतना भयंकर अटेंडेंस होता है कि तुम्हें अटेंडेंस देना ही पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है वरना सेमेस्टर में बैठ नहीं देते हैं। अगर मैं इसके दूसरे डिसएडवांटेज बात करूं तो वो ये है, हिडन चार्जेस काफी ज्यादा कॉलेज इंक्लूड करता है, जो किसी भी हिडन चार्जेस तुम थोड़ा मोड़ा भी कुछ कर देते हो, यहाँ पे तुम्हें फाइन देना होता है 200 वहाँ पे 500 तुमसे प्राइस लिया जाता है, उसके बाद फाइन वहाँ पे तुम्हें 500 का फाइन लिया जाता है, तो ऐसा हिडन चार्जेस है काफी मतलब छोटे छोटे चीज के लिए काफी ज्यादा फाइन लगता है, तो इसे हिडन चार्ज में इंक्लूड कर दो। फिर अगर मैं इसके एक और डिफरेंट बात करूँ तो यार असाइनमेंट भर भर के मिलता है, या देखो इतनी सारी यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है लेकिन इतना ज्यादा असाइनमेंट नहीं देता कि बच्चों को यार ज्यादा एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं मिलता है एक्टिविटी में, जो भी यार असाइनमेंट इतने ज्यादा मिल जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर मैं एक और डिसएडवांटेज बात करूँ तो यार देखो एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्लो है, देखो जो मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी की काफी स्लो है, लगेगा तुम्हें यार किसी गवर्नमेंट सेक्टर में तुम घुस चुके हो, इतनी स्लो है, गजब बेइज्जती है, मतलब मैंने काफी धीरे धीरे सब काम होता है। फिर यहाँ के वाईफाई केवल बोलने का यार, वाईफाई का नेट काफी स्लो है दूसरी यूनिवर्सिटीज में, अगर तुम पंजाब में दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करो तो वाईफाई यहाँ पे मतलब बच्चे यहाँ पे बोलते हैं वाईफाई लगा ही नहीं, ऐसा सीन लगता है यहाँ पर। इसके यार एक और डिसएडवांटेज बात करो तो वो ये है कि नॉनवेज अलाउड नहीं है कैंपस के अंदर, चाहे तुम सोचो डोमिनोज वगैरह वाला सीन या मॉल में सीन या खुद बनाने का सीन, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, नॉनवेज कम्प्लीटली अलाउड नहीं है कैंपस के अंदर, ये मुझे मतलब डिसएडवांटेज लगा यार। अब तुमको मैं एडवाइस दूंगा तुम्हें यूनिवर्सिटी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। देखो पहला चीज यार, अगर तुम बुरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हो, तुम समझ सकते हो मैं कैसे बुरे एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ यार, उस एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व नहीं होते हो। दूसरी बात यार, अगर तुम हायर स्टडीज का प्लान कर रहे हो, फ्यूचर में तुम्हें हायर स्टडी कन्फर्म करना ही है, तो क्योंकि देखो यार प्लेसमेंट यहाँ के मतलब प्लेसमेंट का भरोसा नहीं, क्योंकि मास रिक्रूटर काफी ज्यादा बच्चों को उठाती है, मैं बताऊंगा अभी प्लेसमेंट में, लेकिन मतलब अगर तुम हायर स्टडी का सोचो तभी। और तीसरा, अगर तुम्हें एक्टिविटीज एकदम भर के एक्सप्लोर करनी है, तुम कुछ एक्टिविटीज इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हो, ना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहते हो, फिर यूनिवर्सिटी जॉइन करना चाहते हो, फिर वर्थ नहीं, क्योंकि यार यूनिवर्सिटी या नॉर्थ इंडिया में तुम देख लो, यहाँ पे तुम यूपी को कंसीडर कर सकते हो, दिल्ली को कंसीडर कर सकते हो, प्लस यार मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर सकते हो, तो प्राइवेट में इससे ज्यादा एक्टिविटीज कोई तुम्हें प्रोवाइड नहीं करता, एक्सेप्ट थोड़े मोड़े एमईटी वगैरह ले सकते हो, तो यार मतलब एक्टिविटी भरपूर देता है, तो अगर तुम एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व हो तो मतलब वर्थ नहीं है यार यहाँ पर। अब यार अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो करना परेशान हो गए हम लोग। देखो एवरेज प्लेसमेंट है वो 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में एवरेज प्लेसमेंट देते हैं, जिसमें मैं सीएससी वालों को भी इंक्लूड कर रहा हूँ यार, और वहीं पे मैं बीबीए वालों को तक इंक्लूड कर रहा हूँ, मतलब हर कोर्स में बता रहा हूँ 3 से 5 लाख जाता है भाई, कुछ कुछ प्लेसमेंट और भी कम जाते हैं, मैं मीडियम बताया हूँ मीडियम कितने आते हैं, और काफी ज्यादा बच्चे अनएम्प्लॉयड भी हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के बाद, ये भी सीन है यहाँ पर, मोस्टली मास रिक्रूटर आते हैं यहाँ पर, और केवल कंपनी में 15% कंपनी 15% कंपनी होती है वो केवल 10 लाख प्लस प्लेसमेंट देती है। और मैं अगर हाईएस्ट की बात करूँ तो मैं हाईएस्ट पे कमेंट नहीं करना चाहता, मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूँ तुम्हें, जो तुम देखते हो एलपीयू बताता है कि 1 करोड़ का प्लेसमेंट हम लोगों ने दिया है, तो वह एमएससी के बच्चे को दिया था जो एग्रीकल्चर में थी, मतलब एक सीनियर थी, उन्हें प्लेसमेंट मिला था, ना कि किसी बीटेक को मिला, ना ही किसी बीबीए वाले, ना ही बीसीए और ना ही बीकॉम, तो मतलब अगर नॉर्मल देखो तो यार 1 करोड़ का सब एकदम कंप्लीट में था, मैंने पहले बता दिया केवल 15% कंपनी जो 10+ वाले बच्चों को देती है। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यार, हम लोग का चैनल सब्सक्राइब कर देना, पे काफी ट्रिक मिलते हैं टेक्निकल के यार, मतलब जो कि काफी सेमेस्टर में काम आएंगे या एग्जाम में काफी काम आने वाले हैं, प्लस यहाँ पे सारे कॉलेज के रिव्यू है, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन का टिप चाहिए वो भी कमेंट करना, जो भी कमेंट करोगे नेक्स्ट वीडियो उसी पर रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।